हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गो ट्रैवल ब्लॉगर पर। तो ये सफर हमारे पतरातू वैली का है। पतरातू वैली झारखंड के रामगढ़ जिले का खूबसूरत नज़ारों और स्ट्रीट फूड के स्टॉल वाला मशहूर घुमावदार रास्ता है। तो सफर की शुरुआत हमारी खड़गपुर से और मेरे दोस्तों की मिदनापुर से होती है। अब सफर लंबा था और मज़ेदार, मगर 6 घंटे वाला सफर बोरिंग सा लगता है जब आप कंटिन्यूसली ड्राइविंग सीट पे या फिर आप पीछे पैसेंजर सीट पे बैठे रहते हैं। तो हमने डिसाइड किया सफ़र के दौरान जितना भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस रास्ते पर होगा, हम उसे कवर करते हुए, हम उसे देखते हुए चलेंगे। तो वैसे दोस्तों, ये वीडियो अलग अलग भाग यानी कि पार्ट पे बनाया गया है, तो ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। क्योंकि आप इस लंबे वीडियो से बोर ना हो जाएं, तो पार्ट वाइज आप इसे देखिए और प्लीज़ हो सके तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, इस लंबे सफ़र पर हम पहुंच गए अपने पहले डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है बुरुडी डैम, जो कि घाटशिला का एक बहुत ही मशहूर डैम है। दोस्तों, बुरुडी डैम झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक प्रमुख पिकनिक स्थल है। प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण है, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और लोगों का लोकप्रिय डैम है। दोस्तों, बुरुडी डैम का निर्माण अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश काल में करवाया था। बुरुडी के प्रसिद्ध होने का एक और कारण भी है, यहाँ झारखंड के संताल जनजाति के बीच एक लोकप्रिय मेला जिसका नाम बिंदा मेला होता है, वो यहाँ पर 15 दिनों के लिए लगता है। ये मेला शुरू में घाटशिला के राजा द्वारा शुरू किया गया था और अब एक परंपरा के रूप में हर साल अक्टूबर के महीने में बुरुडी डैम के किनारे 15 दिनों के लिए होता है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट gotravelblogger.com पर ज़रूर विजिट कीजिए। तो दोस्तों, इस डैम के बाद हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है उसका नाम है चांदिल डैम। तो तब तक आप ये डैम को एंजॉय कीजिए और हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए और इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।